वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है, क्षोभ मंडल में, ओजोन मंडल में, बहिर्मंडल में, आयन मंडल में। क्षोभ मंडल में सबसे पहला वही है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नंदा देवी, महाबलेश्वर, नीलगिरी पहाड़ी, सी नीलगिरी पहाड़ी। भारत में मीठे पानी की विशाल झील है, लोकटक झील, चिल्का झील, सांबर झील, वूलर झील, वूलर झील है डी। समुद्र पुत्र नाम है अंडमान निकोबार, दमनद्वीप, लक्षद्वीप, गोवा। लक्षद्वीप इस कॉल समुद्र द्वीप। शेषनाग झील स्थित है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर। डायरेक्ट उत्तर पे आता हूं मैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 21 जून। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ए। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस जम्मू कश्मीर में। भारत में जनगणना की अवधि है 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, सी। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, सी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, गोबी मंगोलिया में है। समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, डी। अन्नपूर्णा पर्वत स्थित है नेपाल में, डी। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र में, इसलिए वहां पे कपास भी होती है। लोनार झील है ये भी महाराष्ट्र में है, बी। परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है पश्चिमी यूरोप को, सी। घाना पक्षी अभयारण्य है राजस्थान में, सी। पृथ्वी की सदृश ग्रह है वेनस, वेनस का मतलब शुक्र। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान स्थित है पुणे, सी। अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव में, ए। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, डी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है डूरंड रेखा। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36। आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। हमारी आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार, डी। भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित है कंचनजंगा, सी। सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। जायकवाड़ी बांध बना है गोदावरी पर। प्लूटो ग्रह है बोना ग्रह है। एन्नोर बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, चांद। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। और कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात। कुचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में, कुचिकल कैसे कर्नाटक। एस्किमोस के बर्फ के मकान हैं, इग्लू कहलाते हैं एस्किमो के बर्फ के मकान। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है असम, असम में। दुनिया का सबसे गर्म स्थान है अल अजीजिया। सोमपेन जनजाति निवासी है आपको ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, सोमपेन। रूर घाटी कहां स्थित है? जर्मनी में, रूर घाटी। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है दक्षिणी चीन सागर। समुद्र तल पर बैरोमीटर पारे का स्तर है 76 mm, 76 मिलीमीटर। अरब सागर की राजधानी है कोचीन, अरब सागर की राजधानी कहलाती है। तेल नदी है
नाइजर नदी तेल नदी कहलाती है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। हिमिस। वरुण ग्रह हरा किस गैस के कारण दिखाई देता है? मीथेन। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मिटीरियोलॉजी। सी। भारत का सबसे छोटा उद्यान साउथ बूटन स्थित है अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में। विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, ऊपर में कर्क नीचे में मकर। पुलिकट झील स्थित है, पुलिकट तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में भी उसका कुछ हिस्सा पड़ता है लेकिन मेनली तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में भी है। गोएचा ला पास स्थित है सिक्किम में। गोएचा ला पास। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर सलाल। डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक उपनाम है? कोलकाता डायमंड हार्बर। भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम है केवला देव घाना पार्क। पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जॉर्ज ले मित्र ने। भारत एवं चीन के बीच रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है यूरेनियम विधि। न्यूमोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। लेपचा और भूटिया निवासी है सिक्किम के। भूटिया सिक्किम में भी रहती है, भूटिया आपको उत्तराखंड में भी मिल जाएंगे। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबुल लामजाओ स्थित है मणिपुर। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान है प्रेयरी। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरु मध्य कौन सा है? डेविस। ये पहले भी गुजर चुका है। कपिल धारा और दुग्ध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन। ग्रीनविच रेखा गुजरती है यूनाइटेड किंगडम से। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह है वेनस। भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। सूती वस्त्रों की राजधानी है मुंबई। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। नागपा झकड़ी जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश। धारवाड़ पठार स्थित है कर्नाटक में। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। शिवालिक मैनाक। पाक जल डमरूमत किस राज्य के नजदीक है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह है वाइजर 1। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में प्रथम राज्य है तमिलनाडु। हजार झीलों की भूमि है फिनलैंड। श्याम किसका प्राचीन नाम था? थाईलैंड। चंदन के वृक्ष मिलते हैं कर्नाटक में। मकराना संगमरमर की खान स्थित है राजस्थान। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार सी। भारत और पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ? 1972। सात पर्वतों का नगर है रोम। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच का समय है 4 मिनट। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राजील। भारत में कर्नाटक। महाद्वीपों का निर्माण हुआ ग्रेनाइट चट्टान से। जयंतिया जनजातियां संबंधित है मेघालय में।
निम्न में कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911। मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया कांडला। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष है 943। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। प्रत्येक दो देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस पाई जाती है ऑर्गन। चूखा जल संयुक्त परियोजना है भारत और भूटान की चूखा। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा को। सबसे बड़ा भू आवेष्टित प्रदेश है कजाकिस्तान। चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में चूखा। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमाच्छादन द्वारा, बर्फ द्वारा। नील नदी पर बना बांध है आसवान बांध, आसवान बांध। नाथुला पास स्थित है सिक्किम में नाथुला। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। एस्किमो जनजाति निवास करती है कांगो बेसिन में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ 1914 में। पृथ्वी का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? क्रस्ट, क्रस्ट। उसके बाद है सियोल सीमा नीफे। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। पेरियार नदी बहती है कहां? बहती है केरल में है पेरियार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल सही। समुद्र पार भारत का निकटवर्ती देश है मालदीव। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है अरावली। गोलकुंडा किला है आंध्र प्रदेश में। प्रत्येक दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? टाइगर। तीन महाद्वीपों की सीमा को छूता है भूमध्य सागर। मेडागास्कर किस महासागर में है? हिंद महासागर में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 1947 में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। रुद्र सागर झील कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में, रुद्र सागर झील। बौद्ध ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। चीन का मैनचेस्टर है शंघाई। संथालों की सर्वाधिक जनसंख्या है झारखंड में। भारत में अधिक मात्रा में किस मिट्टी का विस्तार है? जलोर और एलुवियल भी कहते हैं। पाक जल डमरू मध्य स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। एडम पुल भी है वहां पे, आदम का पुल जिसे कहते हैं आप। सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय रेखा है गुजरात। भूटान की सीमा कितने राज्यों को छूती है? चार राज्यों को। भूकंप की लहरें जहां सर्वप्रथम पहुंचती है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, एपिसेंटर। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? डेम्बनाड झील। निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकानकागुआ। गोल्ड पर्वत स्थित है अमेरिका। लेब्राडोर जलधारा है अटलांटिक महासागर में, लेब्राडोर। हवाई जहाज किस मंडल में चलते हैं, उड़ते हैं? समताप मंडल। भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह
मुंबई। घुमावदार पथ से निर्मित झील गोखुर झील। जवाहर सुरंग पर स्थित दर्रा है बनिहाल। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। पेरियार नदी बहती है केरल। ग्रहों की खोज सन 1600 में किनके द्वारा की गई थी? केपलर। चट्टानों का पिघलता हुआ रूप क्या है? मैग्मा। टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? सैटर्न का, शनि का। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर, मैरियाना बीच है। येलोस्टीन राष्ट्रीय पार्क है अमेरिका में। वरुण ग्रह हरा किस गैस के कारण दिखाई देता है? मीथेन। मीथेन भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज है त्रिपुरा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल। प्रशांत महासागर का चौराहा है हवाई द्वीप। ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? वलित पर्वत। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। टाइगर एस्टेट किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश। गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? पांच। निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित शहर है? रांची। कई बार आया। जवाहर सुरंग पर स्थित दर्रा है बनिहाल। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है बांग्लादेश से। समुद्र पार भारत का निकटवर्ती देश है मालदीव। हिमालय की लगभग औसत चौड़ाई है 6100 किलोमीटर। बूडापेस्ट किस नदी तट पर है? डेन्यूब नदी। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश। भारत में अधिकांश वर्षा होती है किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। कुरुक्षेत्र स्थल भारत में किस राज्य में है? हरियाणा। पुष्कर झील स्थित है अजमेर में। काजीनंदा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर हेतु प्रसिद्ध है? गेंडा। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। क्यूबा स्थित है कैरिबियन महासागर में। क्यूबा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा। हवाई द्वीप की खोज हुई थी कब? 1770 ईस्वी। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु। पिछोला झील है उदयपुर में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है सवाना। सूर्योदय सर्वप्रथम होता है अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7, 24 टाइम और 7 दाब। भारत में सर्वाधिक जनजाति है मध्य प्रदेश में। ज्वार भाटा पर सर्वाधिक होता है चंद्रमा का आकर्षण। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार है 121.08 करोड़। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पिग्मी निवासी है कांगो बेसिन के। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, विनस। डोलोराइट है अग्नियस चट्टान। पैपुआ जनजाति निवास करती है, निवासी क्षेत्र है न्यू गिनी की पैपुआ।
महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर। यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ब्रह्मांड की उम्र होती है 13.8 बिलियन वर्ष, 13.8 बिलियन वर्ष। तो ये रहा कुल मिलाकर के, और इसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, मैं तो आपको कहूंगा 100 बार प्रैक्टिस कर लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से इधर उधर करके, उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मेरा आग्रह है आपसे कि शेयर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक।